अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी के सदस्यों ने क्लस्टर विश्वविद्यालय में स्थायी अध्यापकों व कर्मचारियों की नियुक्ति जल्द करने और अन्य मांगों के चलते डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। एबीपी मंडी इकाई ने शिक्षा मंत्री से मांग की है कि क्लस्टर विश्वविद्यालय में स्थायी अध्यापकों व कर्मचारियों की नियुक्ति जल्द की जाए। साथ ही मांग उठाई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थायी परिसर व एससी एसटी छात्रवृत्ति जल्द शुरू की जाए। जी भाई बताएं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव अत्री, मैं कैंपस प्रेसिडेंट मंडी का। तो जैसा कि आज हम सभी ने मंडी महाविद्यालय की विद्यार्थी परिषद ने जो है डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को जो है ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में हमने शिक्षा मंत्री जी को यह बताया है कि जो हमारे प्रांत भर की जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारी दिक्कतें हैं, वो हमने हमारे जो शिक्षा मंत्री जी को वो बताई हैं। इन दिक्कतों में जो सबसे पहली दिक्कत है वो है हमारी कि जो एससी एसटी के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो है स्कॉलरशिप जल्द शुरू की जाए। और नौणी विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर जी हैं वो अपने ही जो मन मुताबिक जो है नियुक्तियाँ वहाँ पर कर रहे हैं। इससे हम शिक्षा मंत्री को बता रहे हैं कि जो यह वहाँ पर जो धांधली चल रही है इस धांधली को जो है रोका जाए और जो नौणी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जी हैं उनको जो है जल्द से जल्द वहाँ से बर्खास्त किया जाए।